नमस्कार, स्पेशल कवरेज न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। चर्चा गंभीर है, मसला गंभीर है और विषय है इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। अतिक्रमण तो बुलडोजर, और बुलडोजर तो बुलडोजर से जुड़े हुए तमाम शब्द, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर चाचा, जो चाहे आप कह सकते हैं। ये अतिक्रमण क्या है, क्यों है, कैसे इसका बुलडोजर से संबंध है, इस पर बारीक नजर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत चर्चा है। चर्चा है कि ये इंक्रोचमेंट को हिंदू मुसलमान क्यों कर दिया जाता है, बुलडोजर हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है, क्यों किसी खास इलाके में अतिक्रमण चलता है तभी मुद्दा गर्म होता है, क्यों जब हिंदुओं के मकान टूटते हैं, हिंदुओं के इंक्रोचमेंट हटते हैं तब चर्चा नहीं होती, और मुसलमानों के इंक्रोचमेंट हटते हैं तो हंगामा बरप जाता है। यही तो चर्चा है, और यही पर आपको समझना है कि सारी चीजें हमारे माइंड में यहीं पर क्यों घूम रही है कि हम इंक्रोचमेंट को हिंदू मुसलमान कर ले, बुलडोजर को हिंदू मुसलमान कर रही है, हो क्यों रहा है। आप देखिए क्यों होता है। आप और हम जानते हैं, हम रात में सोकर उठते हैं, सुबह देखते हैं हमारे आसपास जो इंक्रोचमेंट था सब हटा लिया गया है, साफ हो गई है सड़क। ऐसा दृश्य तो आपने देखा होगा, किसी को पता भी नहीं चलता है इंक्रोचमेंट हट जाता है। ये इंक्रोचमेंट हटाने का तरीका रहा है, लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज हो रहा है कि इंक्रोचमेंट हम अमुक इलाके में हटाएंगे, और वो अमुक इलाका मुस्लिम बहुल इलाका होगा, और हटाएंगे, इस बारे में बयान दिए जाएंगे, टीवी पर डिबेट कराए जाएंगे, अखबारों में खबर छपवाई जाएगी, और जिसका इंक्रोचमेंट हटने वाला है और जिसका नहीं भी हटने वाला है, सब भयभीत है, डरे हुए हैं, किसी का सपोर्ट मांग रहे कि कैसे भी बच जाए। अरे ये तो इंसानी फितरत है, हर आदमी कोशिश करता है कि उसका जो इंक्रोचमेंट ही सही, लेकिन उसका बच जाए। तो इस कोशिश में वो पूरे नारे जमाए जाते हैं और इंक्रोचमेंट को लेकर के एक कैंपेन इंक्रोचमेंट हटाने से पहले चलने लगता है। एक और बात, जिन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे मध्य प्रदेश का खरगोन हो, चाहे गुजरात के इलाके हो, इन तमाम जगहों पर इंक्रोचमेंट हटाए जाएंगे। जहां दंगा हुआ है, जहां शांति की जरूरत है, जहां शांति के लिए पीस कमेटी को आना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए ताकि शांति हो, वहां पर इंक्रोचमेंट का बवंडर खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां दंगा हुआ है, और उसमें कुछ सेलेक्टिवनेस भी होती है, और कुछ एक बातें ऐसी भी होती है कि अरे हिंदुओं के भी तो मकान टूटे हैं, मुसलमानों के भी टूटे हैं, तो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, यह डिबेट भी खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन असल सवाल यह है कि जिन इलाकों में दंगे हुए, जहां शांति की जरूरत थी, वहां पर इंक्रोचमेंट की हटाने की तत्काल क्या जरूरत आ पड़ी? क्या यही प्राथमिकता है सरकार की? इसमें और एक बात होती है। अब जैसे जहांगीरपुरी में देखिए, जहांगीरपुरी में क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष एमसीडी को चिट्ठी लिखेंगे और अगले दिन एमसीडी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रोचमेंट ड्राइव का नेतृत्व एक राजनीतिक पार्टी कर रही है। तो जब ऐसा होगा कि एक राजनीतिक पार्टी सरकारी मशीनरी का नेतृत्व करने लगेगी, तो इंक्रोचमेंट जो है वो बायस्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आप बताइए। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो दिल्ली में शीला दीक्षित की भी सरकार हुआ करती थी, कहते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए इंक्रोचमेंट हटाना जरूरी है। शीला दीक्षित की सरकार में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या किया गया? नंबर्स ऑफ फ्लाईओवर्स बनाए गए दिल्ली में, ट्रैफिक से निपटने के लिए बड़ी संख्या में फ्लाईओवर्स बनाए गए। और आज क्या हो रहा है, आज ट्रैफिक जाम से हटाने के लिए इंक्रोचमेंट हटाने की पहल हो रही है। यानी आप ये समझिए, एक सृजनात्मक स्टेप होता है, एक विध्वंसात्मक स्टेप होता है। मैं अतिक्रमण का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अतिक्रमण अगर एक मत से, एक आंखों से, बिना भेदभाव के लिए हो तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्लास में शोर हो रहा हो तो शिक्षक जाके सबको दो दो छड़ी लगा दे, तो चोट लगने के बावजूद छात्र को लगता है चलो हमने हल्ला नहीं भी किया
तो भी इस समूह में तो शामिल है, हमें चोट लगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर शिक्षक जाए और किसी एक पर उनकी नजर पड़े और उसी को जाकर के 5 छड़ी मार दे, तो वो जरूर सोचता है कि हल्ला तो दूसरे ने भी किया लेकिन मार सिर्फ मुझे पड़ी। ये है, ये इस दर्द को जो समझेगा, वो इंक्रोचमेंट को लेकर के, हटाने को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उसको भी समझेगा। मेरे ख्याल से इंक्रोचमेंट से जुड़ी सियासत को समझने के लिए जितना मैंने कहा है उससे आपको जरूर मदद मिली होगी। और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, अगले विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ, भूलिए नहीं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और अपने लोगों के बीच इस संदेश को फैलाइए। स्पेशल कवरेज न्यूज हमेशा आपके लिए तत्पर है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ।